अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको चाइना के बने हुए 6 ऐसे पिस्टल्स के बारे में बताएंगे जो कारकर्दगी के लिहाज से सबसे आगे हैं। नंबर 1 नोरिनको M54। ये पिस्टल TT30 की कॉपी है और सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। इसका वजन 0.85 किलोग्राम है और इसकी मैगजीन में 8 गोलियां आती हैं। ये सिंगल एक्शन पिस्टल है। नंबर 2 CF98। इस पिस्टल को भी नोरिनको कंपनी तैयार करती है और ये एक सेमी ऑटोमेटिक 9mm पिस्टल है। यह सिंगल और डबल एक्शन पिस्टल है। इसका फ्रेम स्टील से बनाया जाता है और इसकी मैगजीन में 15 गोलियां आती हैं। नंबर 3 नोरिनको NP27। यह पिस्टल भी नोरिनको की कंपनी ही तैयार करती है और ये सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। ये भी एक सिंगल एक्शन पिस्टल है और इसकी मैगजीन में 7 गोलियां आती हैं। नंबर 4 NZ75। इस पिस्टल को भी नोरिनको कंपनी ही तैयार करती है और ये सेमी ऑटोमेटिक 9mm पिस्टल है। यह पिस्टल सिंगल और डबल एक्शन के कुलिये पर काम करता है। इसमें 9mm लूगर बुलेट इस्तेमाल होता है। फ्रेम को भी स्टील से बनाया जाता है। नंबर 5 नोरिनको NP56। ये भी चाइना का बना हुआ एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। इस पिस्टल में 9mm की जगह 0.45 ACP बुलेट इस्तेमाल होता है। यह पिस्टल भी सिंगल और डबल एक्शन है। इसका फ्रेम भी स्टील से तैयार किया जाता है और इसकी मैगजीन में 7 गोलियां आती हैं। नंबर 6 नोरिनको NP48। ये भी सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है। इस पिस्टल को भी 1911 के बेस पर बनाया गया था। इस पिस्टल को भी नोरिनको कंपनी ही तैयार करती है और ये सिंगल एक्शन पिस्टल है। इसका फ्रेम भी स्टील से बनाया जाता है और इसकी मैगजीन में 14 गोलियां आती हैं।